जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये महाराज के राजकोष का धन है? मैं अभी जाकर उन्हें बताता हूँ, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ब्राह्मण देव महाराज हेतु एक नर्तकी को लेकर आए हैं। देवी अंजना, तुम्हारा ये कुकृत्य कि तुम मेरे अतिथि पर हाथ उठाओ। शिष्टता और संस्कार की सीमाओं को लांघने का दुस्साहस किया है तुमने। बस महाराज बस। बहुत हो गया, मेरी धैर्य की भी और आपकी मनमानी आचरण की भी। अब तक आप बोलते हैं और मैं आज्ञाकारिणी बन चुपचाप सुनती आई, किंतु आज से, अभी से मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। देवी अंजना, संभवतः आप भूल रही हैं कि मैं कौन हूं और आप किसके समक्ष और किससे बात कर रही हैं। नहीं महाराज, मैं भली भांति जानती हूं कि मैं किससे बात कर रही हूं, किंतु संभवतः आप नहीं जानते कि आपसे कौन बात कर रही है। देवी अंजना, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं चाहती हूं, बताना चाहती हूं आपको कि आपके समक्ष जो बात कर रही है वो आपकी पत्नी अंजना नहीं बात कर रही है, अंजन प्रदेश की महारानी अंजना से बात कर रहे हैं आप। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना से। आप अपनी वाणी से अपनी पत्नी के स्वर को मौन कर सकते हैं, किंतु एक महारानी के स्वर को नहीं। देवी अंजना, आप सुध में नहीं हैं, नहीं है आप सुध में। सुध में तो मैं हूं, बेसुध तो आप हैं। यदि मैं आज सुध में ना होती तो आपसे ये कभी ना कहती। इस प्रदेश में जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है, इसीलिए आपको आज मेरी बात सुननी होगी। क्या ब्राह्मण देव, आपके होते हुए इस राज नर्तकी का ऐसा घोर अपमान? महाराज, ये सब क्या है? अरे मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका हितेशी। हाँ, अरे मैंने सदैव सदैव आपके हित का सोचा है तथा आपके हित हेतु ही समस्त कार्य किए हैं। महाराज, आप तो मेरी भावनाओं से भली भांति परिचित हैं, तो फिर आज उसके बदले ये फल, ये अपमान का फल। हाँ ब्राह्मण देव,
अभी इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। अज्ञानी अंजना, अभी तुम जानती नहीं हो मुझे कि मैं कौन हूँ। मैं राहु हूँ, राहु राहु जो कहीं भी अपनी इच्छा से आता है तथा अपनी इच्छा से ही जाता है। सैनिकों, ब्राह्मण देव को सम्मान पूर्वक इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़कर आओ। देवी अंजना, आज तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इस अभद्र आचरण का तुम्हें भारी मूल्य चुकाना होगा, भारी मूल्य। बड़ा मूल्य और क्या चुकाऊंगी महाराज, कि आज एक पत्नी को निर्लज्ज होना पड़ा, अपने पति का अपमान करना पड़ा। ये कैसा पाप करवाया विधाता ने मुझसे, कैसा पाप करवाया। क्या है? देखो वानर बालक, हम तीन नहीं अभी तो चार भाई हैं। अरे तुम भी तो हमारे भाई समान हो, तो फिर इस धन में एक हिस्सा तुम्हारा भी होना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया है कि ये सातवां घड़ा तुम्हें दे देंगे, इसे तुम रख लो। है तुम लोग इतने भले तो हो नहीं कि मुझे मुफ्त में अपना हिस्सेदार बना लो। बताओ इसके बदले मुझे क्या करना होगा? हमारा जो भेद है ना, उसे भेद ही रखना, किसी दूसरे को मत बताना। तुम तीनों भाइयों ने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? इतना बड़ा भेद छुपाने का बस इतना सा? क्या ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक है, हम अपने अनुज चित्रदत्त के हिस्से के दो कलश भी तुम्हें दे देते हैं। परंतु भैया, मेरे ही कलश क्यों? अरे पगले, माई के मृत्युदंड से जीवित बचेगा तभी तो ये धन खर्च कर पाएगा ना। जब प्राणी नहीं होंगे तो फिर किस काम का ये धन? तुम भी तो नहीं बच पाओगे। राजकोष का धन छुपाना बहुत बड़ा अपराध है, इसकी तुलना देशद्रोह से की गई है। तुम जानते हो देशद्रोह का दंड क्या है? आजीवन कारावास। तुम्हें भी आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे कारावास की सजा नहीं काटनी। कृपा करके तुम राजा को इस धन के विषय में कुछ मत बताना। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, हम अपने धर्मदत्त के हिस्से का धन भी तुम्हें दे देते हैं।
ये आप क्या कर रहे हैं भैया? अरे देशद्रोह का आरोप लगेगा, कारावास होगी। फिर ये धन किस काम आएगा तुम्हारे है? कारावास में जीवन खर्च होता है, धन नहीं पगले। ले जाने दे, सारा धन लेके जाने दे इसको। हाँ तो मैं कह रहा था कि देशद्रोह का दंड है आजीवन कारावास एवं माँ की हत्या का दंड मृत्यु दंड, एवं माँ की हत्या का दंड मृत्यु दंड। ब्राह्मण देव रुक जाइए, ब्राह्मण देव रुक जाइए, ब्राह्मण देव ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़कर मर जाइए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं महाराज केसरी स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप हमारे मित्र हैं। वाह वाह महाराज केसरी वाह, अरे बड़ी अच्छी मित्रता निभाई है आपने हमसे। हाँ लज्जित तो हम हुए हैं, वो भी अपने आप से। आज आपके सामने आपके राज दरबार में आपकी पत्नी अंजना ने जो हमारा अपमान किया, वैसा अपमान आज तक कभी किसी ने नहीं किया महाराज केसरी, कभी किसी ने नहीं किया। अरे लज्जा तो हमें आ रही है, किंतु अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो देवी। ब्राह्मण देव हमारे राज्य को शापित करके मत जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ ब्राह्मण देव। नहीं महाराज केसरी, छोड़ दीजिए हमें, जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता वहाँ हम एक पल नहीं रुकते। परंतु आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड दोनों साथ साथ कैसे हो सकती है? अच्छा अच्छा आप समझा, इसका अर्थ है कि पहले महाराज तुम्हें मृत्यु दंड देंगे एवं फिर तुम्हारी अस्थियों को आजीवन कारावास में रखेंगे। अरे नहीं नहीं, अरे ये इनका धन भी तुम ही रख लो। हाँ क्योंकि इन्होंने ही हम दोनों से सारे अपराध करवाए हैं। अरे अरे पगलो, नहीं नहीं, ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो तुम लोग? आपको क्या लगा था मृत्युदंड केवल हम दोनों को मिलेगा? अरे जब आप जीवित बचेंगे तभी तो इस धन का उपयोग कर पाएंगे। लगता है हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं इस जगत के। वास्तव में सबसे बड़े मूर्ख हो तुम लोग, कारण तुम लोगों ने अभी केवल धन छोड़ा है, उस धन का मोह नहीं, एवं जो पाप तुमने किया है उसका दंड अभी मिलना शेष है। देवी ब्राह्मण देव को समझाइए ना कि आज वो दुखी होकर चले गए तो मैं जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, जीवन भर अपराध बोझ सहता रहूंगा मैं। मैं कैसे रोक सकती हूं इन्हें? तो ठीक है, मैं ये राजमहल छोड़कर आपके साथ वन में चलता हूं। महाराज मैं आपके लिए क्या करूं, कैसे आपकी सहायता करूं? स्वयं को रोककर, ब्राह्मण देव को रुकने हेतु मनाकर। ब्राह्मण देव जब महाराज इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए, और फिर आप देख नहीं रहे कि महाराज कितने दुखी हो रहे हैं, और फिर जो कुछ भी हुआ उसमें महाराज की तो कोई गलती नहीं, और ये सब तो महारानी अंजना ने किया है, एवं महाराज तो क्षमा भी मांग रहे हैं। तथा ब्राह्मण देव मुझे लगता है कि
आपको इनकी प्रार्थना पर पुनः विचार करना चाहिए। ठीक है महाराज केसरी, इस बार तो हम आपको क्षमा किए देते हैं, परंतु स्मरण रहे, यदि भविष्य में आपके राज दरबार में हमारा एक बार भी ऐसा अपमान हुआ तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे मित्र हैं तथा महारानी अंजना आपकी पत्नी। हाँ ब्राह्मण देव, आपका हृदय बहुत विशाल है, आइए चलिए, देवी आप भी चलिए, आइए। अब जाने क्या होगा विधाता, राहु राज में लौट है आता, राहु राज में लौट है आता। केसरी सर्प को दूध पिलाने विपत्ति ले आते हैं, कहते हैं जब दुर्द ने आते लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अब जाने क्या होगा विधाता, राहु राज में लौट है आता, राहु राज में लौट है आता। उस वानर बालक के कारण मारे गए हम लोग, आज सारे सपने चूर चूर कर दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरे पास एक सुझाव है। क्या? इतने सारे मटके हैं, क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा धन सारे मटकों में से निकाल लें। अरे कहीं उस वानर बालक को पता चल गया तो? अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से कुछ निकाल ली जाएंगी, उसे पता थोड़ी ना चलेगा। ये चित्रदत्त सही कह रहा है, उस वानर बालक को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो ये कोतवाल जी, वो देखिए, वे तीनों राजकोष का धन चुरा रहे, इन्हें शीघ्र अति शीघ्र पकड़ लीजिए। अरे नहीं नहीं कोतवाल जी, हम कुछ चोरी नहीं कर रहे थे, ये धन तो इस वानर बालक का है। हा? अच्छा, यदि ये धन इस वानर बालक का है तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? हम तो बस यूं ही देख रहे थे। अच्छा तो चलो, अब जो कुछ देखना है कारागार में देखना। सिपाहियों ले चलो इन तीनों को। अरे, अरे नहीं नहीं, वानर बालक तूने ठीक नहीं किया, छल किया हमारे साथ छल, और हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को धोखा दे, स्वयं से छल करे, स्वयं से ही घात करे, उसे जग क्या धोखा देगा, क्या छल करेगा तथा क्या घात करेगा मूर्खो? तुम लोग तो स्वयं धोखे में जी रहे हो। महारानी अंजना ने आपकी पत्नी होने के बाद भी सबके सामने आपका इतना बड़ा अपमान किया, अक्षम्य अपराध महाराज केसरी, अक्षम्य अपराध। अब क्यों इनके घावों को कुरेद रहे हैं ब्राह्मण देव, इन्हें फलाहार तो करने दीजिए। देवी मैं घाव नहीं कुरेद रहा हूँ, अपितु महाराज के मन के दर्पण पर पड़ी हुई उस धूल को साफ करने की चेष्टा कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें दर्पण दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि सजग हो जाइए, ये जो कुछ भी हुआ ये सब अनायास ही नहीं हुआ, अवश्य ही इसके पीछे किसी का हाथ है। एवं महाराज, हम तो कुछ दिनों के पश्चात यहाँ से चले जाएंगे, किंतु आपको तो यहीं रहना है। फिर
नित्य प्रतिदिन ये अपमान कैसे सहेंगे आप? महाराज, मुझे तो इस घटना का कोई अंत नजर नहीं आ रहा, कोई अंत नहीं। मुझे तो आपका राज्य भी आपके हाथों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ तो ब्राह्मण देव, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। महाराज, आपको अपने अधिकारों को छीनना होगा। हाँ तभी आप अपना अस्तित्व बचा पाएंगे महाराज केसरी। हाँ तो ब्राह्मण देव, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ महाराज। अंजना इस प्रदेश की महारानी इसलिए है क्योंकि वो आपकी पत्नी है, एवं उसी महारानी के अधिकार के अहम में चूर होकर उसने आपका अपमान किया। यदि वो आपकी पत्नी ही ना रहे तो वो ना ही इस प्रदेश की महारानी होगी और ना ही महारानी होने का अधिकार रहेगा। महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया है। आप ही बताइए महाराज, यदि हमारे खेत से कोई गुप्त धन अथवा गड़ा हुआ धन निकलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा? उसका स्वामी कौन हुआ? हम ही लोग ना, उस पर हमारा अधिकार हुआ ना। फिर उस स्थिति में उस धन का प्रयोग करना अनुचित कैसे हुआ महाराज, जो आपके सैनिक इस वानर बालक के कहने पर हमें बंदी बनाकर ले आए? अभी तो केवल बंदी बनाकर लाए गए हो संपाल, तुम्हारे अपराध का दंड मिलना तो शेष है अभी। तुम जिसे अनुचित अथवा भूल कह रहे हो वो अपराध है, जिस अपराध को तुम तीनों भाइयों ने मिलकर किया है। इससे बड़ा अपराध ये है कि तुम लोगों ने एक निर्मल, निश्चल एवं निस्वार्थ स्नेह की हत्या की है, सच्ची ममता का गला घोटा है। अपनी जन्मदात्री माँ के साथ छल किया है, उसके विश्वास को धोखा दिया है। महाराज, अपनी जननी को उसकी संतान धोखा दे, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है इस संसार में? अर्थात धन के लोभ के कारण इन्होंने अपनी माता की हत्या की है? नहीं नहीं महाराज, ये वानर बालक झूठ बोल रहा है। झूठ मैं नहीं, ये तीनों बोल रहे हैं महाराज, इन्होंने की अपनी माता की हत्या। वानर बालक, क्या तुम्हारे पास इसका ठोस प्रमाण है? इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु गवाह के रूप में मेरे पास ठोस प्रमाण है। कौन है वो? वो साहूकार महाराज, साहूकार। जिससे इनकी माता ने खेत खरीदा था। साहूकार को दरबार में बुलाया जाए। महाराज, देवी का कथन बिल्कुल सत्य है। हाँ उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने आपको कटु वचन बोले क्यों? वो इसलिए कि उन्हें आपकी पत्नी का स्थान प्राप्त है। हाँ और यदि उनसे वो स्थान छिन जाए, वो आपकी पत्नी ना रहे तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ छिन जाएगा तथा राज्य का कोई अधिकार उनके पास नहीं रहेगा, एवं तब आप जैसा चाहे वैसा अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य को संचालित कर सकेंगे। हाँ तथा कोई भी आपको अपमानित करने का दुस्साहस नहीं करेगा महाराज केसरी।
छीन लीजिए अंजना से उसके पत्नी होने का अधिकार, त्याग दीजिए उसे, छीन लीजिए अंजना से उसके पत्नी होने का अधिकार, त्याग दीजिए उसे। महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपना सब कुछ वापस मिल जाएगा, सब कुछ, आपका सम्मान तथा आपके अधिकार। हाँ महाराज, अपने शुभचिंतक मित्र का कहा मानिए, छीन लीजिए उससे उसका अधिकार, छीन लीजिए, त्याग दीजिए उसे, छीन लीजिए उससे उसका अधिकार, छीन लीजिए, त्याग दीजिए उसे। महाराज, वह स्त्री बहुत ही सच्ची, नेक एवं भली थी। मेरे द्वारा प्राप्त किए हुए खेत से जो धन प्राप्त हुआ था, वो उस धन को लौटाने आई थी। आपको उस धरती का मूल्य दिया था, ना कि उससे निकले हुए धन का। अतएव जिसका मूल्य हमने नहीं दिया, वो मेरा नहीं हुआ, इसलिए वो धन आपका है। आप चलिए और वो धन ले आइए। देवी, मैंने अपनी धरती आपको बेच दी है, अब चाहे उसमें से अन्न निकले या धन, वो सब आप ही का है। परंतु इसके ये तीन पुत्र इस बात से तैयार नहीं थे। इनके मन में लालच घर कर गया था एवं नहीं, नहीं महाराज, ये झूठ है, ये साहूकार झूठा है, झूठा। यदि ये झूठ है तो फिर बताओ कि इस समय तुम्हारी माता कहाँ है, जो तुम्हारे सुख हेतु अपने सुखों को न्योछावर करती रही, तुम्हें गहरी नींद सुलाने के लिए पूरी पूरी रात जागती रही। बोलो कहां है वो पूजनीय ममता की देवी, कहां है तुम्हारी माता? वो तो नहीं पता महाराज, हम भी क्या करते महाराज, वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। हमारा धन, हम तीनों का धन किसी और को देने जा रही थी महाराज। महाराज, इसी कारण हम दुखी हो गए एवं माई की हत्या कर दी। उस धन से हमारे जीवन में सुख हो सकता था, परंतु नहीं, वो तो किसी और ही धुन पर सवार थी। अब महाराज आप ही बताइए, कोई माँ अपने पुत्रों के जीवन में इस प्रकार दुर्भाग्य कैसे भर सकती है भला? महाराज, इसी कारण हम दुखी हो गए और हमने अपनी माता की हत्या कर दी महाराज। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज, मामूली से धन के लोभ में हमने अपनी माता के प्राण हर लिए। हे माँ, हमें हमारे अपराधों के लिए कभी क्षमा मत करना। हम तेरे सुपुत्र नहीं कुपुत्र हैं। बस, तुम तीनों ने अपनी माता की हत्या का जो अपराध किया है, उसके बदले में तुम तीनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। सैनिकों, इन तीनों भाइयों को कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। मारुति, अबे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने अपनी माता के प्राण लिए। भविष्य में ऐसी भूल कदापि नहीं होगी मारुति, कदापि नहीं। अब हम जीवन भर लोभ के वश में नहीं आएंगे। मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे क्षमा करेंगी? इसी बात का तो दुख है मारुति, कि हम अपनी माँ से
हम अपनी माँ से क्षमा भी नहीं मांग सके। सैनिकों ले जाओ इन्हें। जी महाराज, जी महाराज। मैं एक क्षमा कर दो मारुति, क्षमा कर दो। तुम आ गए पुत्र। हाँ काकी माँ, अब बुरे दिन बीत गए। आपके पुत्रों के हृदय के ऊपर जिस मैल की मोटी परत चढ़ी थी वो मिट गई। सच कह रहे हो पुत्र? हाँ काकी माँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एवं इतना ही नहीं, आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए उनके हृदय में अपराध बोध भी है। मैंने उनकी आंखों में प्रायश्चित की रेखा स्पष्ट देखी है। वे लोग अपने किए पर लज्जित हैं काकी माँ। परंतु काकी माँ एक दुखद सूचना भी है। क्या पुत्र? राजा ने उन्हें अपने अपराध हेतु मृत्युदंड दिया है। कल उन्हें प्राणदंड दे दिया जाएगा एवं इस दंड से उन्हें एक ही व्यक्ति बचा सकता है। कौन पुत्र? आप काकी माँ, केवल आप। हाँ काकी माँ, उन्हें मृत्यु के मुख से अब केवल आप ही बचा सकती हैं। हमारे सुख हेतु आज तेरा मरना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। नहीं मारुति, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसी करनी वैसी भरनी, इंसान को उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए। नहीं काकी माँ, आपको उनकी सहायता करनी होगी, कारण आप उनकी माँ है। संतान चाहे अपनी माता के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, माता का व्यवहार उनके प्रति कभी नहीं बदलता। इस समय आपके पुत्रों को आपके संबल की आवश्यकता है माते। उन्होंने तो अपना कर्तव्य नहीं निभाया, परंतु आप अपना कर्तव्य अवश्य निभाएं। यही शास्त्रोचित है। मारुति, मैं तुम्हें जितनी भी विकट कठिनाइयों में डालती हूँ, तुम उतने ही शक्तिशाली होकर उनसे बाहर निकल आते हो। परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है पुत्र। अभी तो तुम्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। छीन लीजिए अंजना से उसके पत्नी होने का अधिकार, त्याग दीजिए उसे। महाराज, बात क्या है? कुछ कहा देवी आपने? जी हाँ, मैंने कहा कि आपको हुआ क्या है, बात क्या है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। और आपके होते हुए महाराज की स्त्री को वो भी क्या सकता है? लेकिन आपकी चौसर की चाल तो यही प्रदर्शित कर रही है कि आप अशांत है, विचलित है, आपको आभास नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप भविष्य पढ़ना भी जानती हैं? नहीं, चेहरा पढ़ना जानती हूँ। क्या? मेरे कहने का अर्थ ये था महाराज कि जब से हम खेल रहे हैं, मात केवल आप ही की हो रही है। सावधान देवी, इस बार आपकी मात होने जा रही है। महाराज,
आप तो इस बार भी चूक गए, मात नहीं कर पाए मुझे। लगता है कि आप मानसिक रूप से एकाग्र नहीं हो पा रहे, तभी तो चाल सोच समझ कर नहीं चल पा रहे। उद्वेदन है मस्तिष्क में, किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं भी तो क्या करूं। महाराज केसरी, उद्वेलन ही उत्पीड़न का कारक है, पराजय की सीढ़ी है, तथा उद्वेग पर नियंत्रण कीजिए तथा अपनी चाल सोच समझकर चलिए, फिर देखिए विजय आप ही की होगी महाराज। और हाँ, और एक बात बता देती हूँ, यही सही समय है अपनी पराजय को विजय में बदलने का। कैसे? ना निर्णय सुनाकर। कौन सा निर्णय और किसे सुनाकर? महाराज, आप इतने जल्दी भूल गए वही निर्णय जो मैंने और ब्राह्मण देव ने आपको अपनी पत्नी अंजना को सुनाने के लिए कहा था, उन्हें छोड़ने का निर्णय। महाराज जाइए और जाकर सुना दीजिए अपना निर्णय, बता दीजिए कि आज से संबंध समाप्त, और फिर देखिए इस राज्य में आपका मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा तत्पश्चात ये लोग आप ही की सुनेंगे, आप ही की जय जयकार करेंगे। महाराज केसरी की जय, और यही जय घोष आपके विजय का प्रतीक होगा महाराज। तो जाइए, समय मत गवाइए, जाइए महाराज। क्या बात है देवी अंजना, आप तो प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी कुशाग्र बुद्धि तथा योग्यता की तो हमें जानकारी ही नहीं थी। ये राज्य का कार्यभार आप बड़ी कुशलता से निर्वाह कर रही हैं। आपकी गुणवत्ता वास्तव में हमारी कल्पनाओं से परे थी आज तक। समय सब कुछ सिखा देता है महाराज, गूंगे को बोलना सिखा देता है, लंगड़े को दौड़ना सिखा देता है। आप अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक गए, विमुख हो गए आप अपने कर्तव्य से, इसीलिए विवशता में मुझे इस राज्य के कार्य का दायित्व संभालना ही पड़ा। मैं इस राज्य की महारानी हूं और ये मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के मार्ग से मुख नहीं मोड़ सकती। परंतु अब आप मुख मोड़ने वाली हैं। जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना नहीं, ये समझाना चाहते हैं कि आप इस राज्य की महारानी केवल इसलिए हैं कि इस राज्य के महाराज हम हैं एवं आप हमारी पत्नी हैं। इस कथन को भूलिएगा नहीं आप। मैं आपके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ रही हूँ। अर्थ ये कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाएगा। तात्पर्य, आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। मैं समझी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको यहां रहना है तो यहां की सीमाओं का पालन करना होगा। आपने जो अपमान किया है ब्राह्मण देव और माया का, उनसे जाकर क्षमा मांगनी होगी। अन्यथा अंजना देवी, हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। महाराज, आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किंतु आप नहीं जानती तो जान लीजिए, यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा।
इस अनर्थ का कारण होंगी केवल आप, केवल आप, केवल आप। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। भगवान की कृपा से मैं जीवित हूं, किंतु तुम लोगों ने तो पूरा प्रयास कर लिया था मेरे प्राण लेने का। हमें क्षमा कर दो माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। इनसे भूल अवश्य हुई है, परंतु अब इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप है। सुबह का भूला यदि संध्या को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इन लोगों का दंड वापस लीजिए। ठीक है। सैनिको जी महाराज, धर्मलता के पुत्रों को छोड़ दो। जो आज्ञा। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। क्या हुआ पुत्री, तुम्हारे नेत्रों में अश्रुओं की धारा? क्यों, क्या हुआ? अनर्थ हो गया माँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया अंजना जो तुम्हारे अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं?
एक स्त्री के जीवन में उसका पति ही सब कुछ होता है, उसका साज श्रृंगार उसके पति के लिए ही होता है और पति से ही होता है। एक पति अपने स्त्री के जीवन का आधार होता है ना माँ? हाँ पुत्री। किंतु यदि उस स्त्री का पति उसे छोड़ दे या छोड़ने का निर्णय ले ले, तो वो निर्बल स्त्री उसका जीवन, उसके जीवन का क्या अर्थ रह जाता है, क्या मोल रह जाता है? ये सब कहने का अभिप्राय क्या है अंजना? मैं आपकी बहुत ही अभागन पुत्री हूँ पिताजी। तुम भी कैसी पहेलियां बुझाने लगी अंजना, स्पष्ट बोलो पुत्री, बात क्या है? महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है। महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं, तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाए। तात्पर्य, आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं, हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। क्या? क्या? हाँ पिताश्री, मैंने इस महल में रहने का अधिकार खो दिया। ये महल मेरे लिए पराया हो चुका है पिताजी। मुझे यहाँ से ले चलिए पिताजी, ले चलिए। जब उनके हृदय में ही मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी पिताश्री? इससे पहले कि हमारे पवित्र संबंध और मलिन हो, हमारे मधुर संबंध में कटुता एवं घृणा का वृक्ष खुले, मुझे यहाँ से ले चलिए पिताश्री, मुझे यहाँ से ले चलिए। किंतु पुत्री, एक विवाहित स्त्री के हेतु उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है, उसका स्वर्ग होता है। पति द्वारा परित्याग की गई स्त्री के लिए इस संसार में अन्य कहीं ना तो स्थान होता है, ना सम्मान। और यदि पति का हृदय प्रेम रिक्त हो जाए तो क्या एक बेटी का अपने पिता के घर से कोई संबंध नहीं होता? मुझे अपने घर ले चलिए पिताजी, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। पुत्री, पुत्री, हम तुम्हें कभी भी साथ ले चलने से मना कर सकते हैं क्या अंजना? पुत्री, अंजना, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं पुत्री कि तुम एक बार पुनः विचार कर लो। देखो अंजना, यदि तुम इस महल में पुत्र केसरी के साथ रहोगी ना, तो हो सकता है यहां की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लग जाए। पर यदि तुम महल छोड़कर दूर चली जाओगी, तो हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ की स्थितियां और भी विपरीत होने लग जाएं। जिस स्त्री का जीवन स्वयं ही खंडित हो, वो दूसरे को क्या संभालेगी? इससे पहले कि मैं और खंडित हो जाऊं, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा पिताजी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, मैं और नहीं रुक सकती। ठीक है अंजना, ठीक है, हम सब समझ गए। हम आज ही इस महल का परित्याग करके कहीं दूर चले जाएंगे। तुम धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो। माई, 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 हमें क्षमा कर दो, माई, क्षमा कर दो, माई, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, माई, क्षमा कर दो। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमें क्षमा कर दिया। महाराज, अब हमें आज्ञा दे कि हम परिश्रम कर खेती बाड़ी कर अपना अपना पेट पाल सके तथा अपना जीवन एक नए सिरे से आरंभ कर सके। महाराज, हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि तुम तीनों भाइयों का हृदय परिवर्तित हो गया है।
जाओ, परिश्रम और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करो और साथ में यह धन भी लेते जाओ। यह धन मैं तुम तीनों भाइयों को दान स्वरूप देता हूं। तीन नहीं महाराज, चार। आज से मेरे चार पुत्र हैं। ये धन के लालच में तो नहीं फंसा, इसे मोह के बंधन में फंसाऊंगी। एवं मेरा चौथा पुत्र है ये मारुति। माता, मारुति, मैंने तो तुम्हारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न की, परंतु तुमने प्रत्येक बाधा को अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं विवेक द्वारा कुशलता पूर्वक पार कर लिया। किंतु अब बाधाओं के बंधन को नहीं तोड़ पाओगे। कारण, अब मैं तुम्हें सांसारिक मोह माया के बंधन में ऐसा बांधूंगी कि तुम्हारा निकल पाना कभी संभव नहीं होगा। जा रही हूं मारुति, कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूं कि जाने से पहले अपने पुत्र का मुख भी नहीं देख सकती। जाने तू कहाँ है मेरा मारुति, मैं तुझे छोड़कर, तेरी स्मृतियों को छोड़कर यहां से जाना तो नहीं चाहती, किंतु मैं असहाय हूं। फिर भी एक माह के आंचल में मृत्यु के शेष अवशेष जितना कुछ समा सकता है अपने साथ बांध कर ले जा रही हूं, मेरे जीने के संबल के रूप में, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं छोड़ा है तेरे पिता ने। यही है सांसारिक मोह माया का जाल मारुति, तुम फंस गए हो इस जाल में। काकी माँ, कहाँ चले गए थे तुम पुत्र? काकी माँ, आज मैं आपका कार्य करके आया हूँ।
आप लोग जाइए, जाकर धन से भरे सातों कलशों को ले आइए।